हेलो एवरीवन। हेलो, तो आज अपन क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार इसकी ट्रिक समझ जाओगे ना इसको सॉल्व करने की, तो कोई भी कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन में दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। पहली बात अपन समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट में फ़र्क। देखो मेरी बात, एक ट्री है, उस ट्री को रोज पानी डाल रहे हैं, रोज वाटर दे रहे हैं, तो वो ट्री हो गया, वो बड़ा हो गया। एक प्लांट को रोज पानी दे रहे हैं तो वो बड़ा हो गया। तो हम पानी दे रहे हैं, ये तो हुआ कॉज, और ये हुआ इफेक्ट। इतनी सी बात अगर समझ जाओगे ना, तो ये टॉपिक एक तरीके से हो गया। ठीक है ना, बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज को मैं इससे ही पढ़ाऊंगा, देखना मेरी बात। वी आर डेली गिविंग वॉटर, वी आर डेली गिविंग वॉटर, सो इट ग्रोज टॉलर, इट ग्रोज टॉलर, वो बड़ा हो गया पेड़। तो देखो, सो, ये जो सो है ना, सो, इससे तुम्हारे कॉज एंड इफेक्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो सो से पहले आए वो तो हुआ कॉज, और जो सो के बाद आए वो हुआ इफेक्ट। हम रोज पेड़ों में पानी दे रहे हैं, ये तो हुआ कॉज, और उसकी वजह से पेड़ बड़ा हो गया है, ये हुआ इफेक्ट। हम रोज पानी दे रहे हैं, कॉज, उसकी वजह से पेड़ बड़ा हो गया, इफेक्ट। वी आर डेली गिविंग वाटर, सो द ट्री गोज टॉलर। वी आर डेली गिविंग वाटर, देयर फॉर द ट्री गोज टॉलर। वी आर डेली गिविंग वॉटर, एज द रिजल्ट ऑफ इट द ट्रीज एज द रिजल्ट ऑफ इट द ट्री गोज बिगर। मतलब इन तीनों वर्ड को अप्लाई करके अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉज कौन सा होता है, इफेक्ट कौन सा होता है। जो सो से पहले आएगा वो तो होगा कॉज, और जो इनके बाद आएगा वो होगा हमारा इफेक्ट। वी आर डूइंग हार्ड वर्क, वी आर डूइंग हार्ड वर्क, एज द रिजल्ट ऑफ इट वी पास्ड सी एस ई टी। हमने CSET को पास कर लिया, ये तो हुआ इफेक्ट। क्या रिजल्ट हुआ, इफेक्ट बोले तो रिजल्ट क्या हुआ एक तरीके से, और कॉज हम किस लिए हुआ, किस लिए हुआ बोला तो कॉज क्या है, हमने काम किया इसलिए हम पास हो गए, इसलिए हम की AIR आ गई CSET के अंदर। तो ये तो हुआ कॉज और ये हुआ इफेक्ट, यही कॉन्सेप्ट है। सो से पहले वाला कॉज, सो के बाद वाला इफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं अपनी नोटबुक में से एक बार आपको दिखाता हूँ, देखना मेरी बात। कॉज एंड इफेक्ट को ही रीजन एंड रिस्पॉन्स कहते हैं। रीजन बोले तो हमने रोज पेड़ों में पानी दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, पेड़ बड़ा हो गया। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रीजन एंड रिस्पॉन्स। वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय गिविंग वन एग्जाम्पल, दैट इज वी डेली वॉटर द प्लांट एंड एज अ रिजल्ट इट ग्रोज टॉलर, इट ग्रोज बिगर। सो वॉट इज द कॉज, वी वॉटर द ट्री डेली इज द कॉज, एज द रिजल्ट इट ग्रोज बिगर इज द इफेक्ट। सॉरी, एक मिनट, डिस्टरबेंस के कारण इसको एयरप्लेन मोड पे कर देते हैं। हाँ तो ठीक है, देखो हम रोज पानी देते हैं, दैट इज द कॉज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द ट्रीज ग्रो बिगर, इट इज द इफेक्ट। ठीक है, तो वॉट इज दिस, अब देखो मेरी बात, कॉज एंड इफेक्ट क्या टिप हो गई अपनी, सो देयर फॉर एज अ रिजल्ट, जो सो से पहले आएगा वो कॉज और जो सो के बाद आएगा इफेक्ट। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें अपन को क्लियर हो जाएगी। देखो मेरी बात, इसमें क्वेश्चन पहले टाइप के किस टाइप के होते हैं, जिसके अंदर अपन को एक तरीके से यही आइडेंटिफाई करना होता है कॉज और इफेक्ट क्या होता है। देखो स्टेटमेंट पढ़ो सब, चलो। इसमें दो अपन को पॉइंट दे रखे होते हैं हर क्वेश्चन में। पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स, ये तो हुआ अपना एक। दूसरा, पेट्रोल रिजर्वायर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन। देखो सोशल पढ़ो, पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स, सो पेट्रोल रिजर्वायर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन। कुछ बना नहीं, मजा नहीं आया। अब उल्टा पढ़ो, पेट्रोल रिजर्वायर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन, सो पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स,
समझ में आया? अब अच्छा लग रहा है सेंटेंस? पेट्रोल रिजर्वायर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन, देयर फोर एज अ रिजल्ट सो, ये तीनों चीजें सूट कर रही है, ये तीनों चीजें सूट कर रही है। देखो, एज भी सूट कर रहा है, देयर फोर भी सूट कर रहा है, और एज द रिजल्ट भी सूट कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट पहले आया, फिर सो आया, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आया। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो सो से पहले आया उसे अपन बोलेंगे कॉज, और जो सो के बाद आया उसे अपन बोलेंगे इफेक्ट। अब देखो मेरी बात, अब वैसे समझते हैं, पेट्रोल रिजर्वायर डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये तो हुआ कॉज, इसकी वजह से लोग पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल की कमी पड़ रही है, इसलिए हम पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो हमारा कॉज तो ये हुआ, रीजन तो ये है, और उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से पेड़ बढ़ गया, उसकी वजह से हम कोई काम कर रहे हैं, वो हुआ हमारा इफेक्ट। तो देखो हमने ट्रिक लगाई, और अब आंसर क्या हुआ इसमें से, कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट हुआ, सेकेंड वाला तो हुआ हमारा कॉज, और इसका इफेक्ट फर्स्ट, सॉरी, सेकेंड वाला तो हुआ हमारा, एक मिनट रुको, हाँ सेकेंड, अरे ये ऑप्शन है उल्टे लिखे, सॉरी, सेकेंड वाला इसमें कॉज और फर्स्ट वाला इफेक्ट, सेकेंड वाला कॉज नहीं हुआ क्या, कॉज बोले तो जो सो से पहले आता है, तो सेकेंड वाला कॉज हुआ और इफेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। कोई डाउट है इसमें, हो रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो 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 देखो, इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एसेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। पहला तो अपन सो देयर फॉर एज अ रिजल्ट वाला रूल लगाते हैं, पहले इसको अपन पढ़ते हैं। इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एसेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग एज द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग अवेलेबल, देयर फोर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एज द रिजल्ट ऑफ इट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एकदम सही बैठ रहा है, इसका मतलब पहला वाला ही कॉज है और दूसरा वाला ही अपना इफेक्ट है। अब देखो इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है? हमने हार्डवर्क करा इसलिए हम CSET में पास हुए, CSET में पास हुए। हमने वाटर दिया इसलिए ट्री बड़ा हुआ, ट्री ग्रोज बिगर। हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं था, देर इज नो द क्या है, असेस नहीं था, हमारे पास असेस नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने असेस बना दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने असेस बना दिया। तो रीजन तो क्या है, रीजन तो ये है, कॉज तो ये है, और उसके कारण कुछ हुआ है, पेड़ बड़ा हुआ है, हम CSET में पास हो गए हैं, हम कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं पेट्रोल का, क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, गवर्नमेंट ने असेस दे दिया है, इफेक्ट हुआ है, कुछ रिजल्ट आया है, कुछ रिस्पॉन्स आया है, इफेक्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, रिस्पॉन्स आ गया। तो ये तो हो गए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें अपन को सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है, ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, एक और बार समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब देखना मेरी बात, देखो पहला वाला क्या है, सॉरी, हाँ देखो, स्टूडेंट एक्स ऑफ एक्स वाई जेड स्कूल वॉज सस्पेंडेड फॉर हिज बिहेवियर, मतलब इसने कोई, चलो ठीक है, सस्पेंड हो गया, आगे चलें, आगे चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड वॉज एक्सीलेंट, ठीक है, हम सो पहले लगा के देखते हैं। स्टूडेंट एक्स ऑफ एक्स वाई जेड स्कूल वॉज सस्पेंडेड फॉर हिज बिहेवियर, एज द रिजल्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड वॉज एक्सीलेंट। कितना, मतलब
स्टूडेंट एक सस्पेंड हो गया तो सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। दोबारा दूसरे वाले को पहले पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड वॉज एक्सीलेंट, एज द रिजल्ट स्टूडेंट एक्स ऑफ एक्स वाई जेड वॉज सस्पेंडेड। दोनों ही नहीं हुआ। मतलब देखो इसमें अपन को पांच ऑप्शन मिलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन का अपन ने डिस्कस कर लिया कि इसमें सो वाला लगा के देख लेना कॉज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का होता है। अब रेस्ट ऑप्शंस देखते हैं। देखो मेरी बात, पहले इस क्वेश्चन को समझते। देखो इसने कोई मिसचीव करी होगी, इसने कोई बदमाशी करी होगी, इसने कोई चीटिंग करी होगी, इसने कोई इमोरल बात करी होगी, तभी उसको सस्पेंड हुआ, तभी उसको सस्पेंड किया। तो ये तो हुआ कोई मिसचीव तो हुआ हमारा कॉज, और ये हुआ कोई इफेक्ट, उसको सस्पेंड करा, ये हुआ कोई इफेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इफेक्ट का स्टेटमेंट है, ये तो कॉज हो ही नहीं सकता। देखो दोबारा सुनो, उसने कोई मिसचीव करी होगी इसलिए उसको सस्पेंड करा, मजे में थोड़ी सस्पेंड कर देंगे। तो सी एस सी टी में पास होना, ट्री बड़ा हो जाना, सस्पेंड हो जाना, ऑल्टरनेटिव ढूंढना, ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ये सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट है। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड वॉज एक्सीलेंट, अरे परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट है तो ये भी तो इफेक्ट ही हुआ। अब परफॉर्मेंस एक्सीलेंट क्यों है, इसका रीजन हो सकता है कि टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया हो, इसका रीजन हो सकता है कि बच्चे स्टूडेंट्स अच्छे हो उस स्कूल के, तो रीजन कुछ भी हो सकता है, कॉज कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कॉज कुछ भी हो सकता है। इफेक्ट क्या हुआ अल्टीमेटली, कि सबकी परफॉर्मेंस, सबका रिजल्ट अच्छा आया, सबका रिजल्ट अच्छा आया, इफेक्ट तो यही हुआ। तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी तो इफेक्ट ही हुआ, ये भी तो इफेक्ट ही हुआ। आप देखो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन क्या है, वन इज द कॉज एंड टू इज द इफेक्ट। रुको देखो, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला तो चलेगा नहीं फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमने सो वाला लगा के देखा, सो एज अ रिजल्ट दे फॉर किसी ने भी सेटिस्फाई नहीं करा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है। भाई दोनों कॉज तो नहीं है, दोनों तो इफेक्ट है। अब देखो दोनों इफेक्ट है, तो अब देखो अब डी और ई क्या बोलता है, वन एंड टी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस एंड वन एंड टी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। अब देखो इस कॉमन का समझेंगे, पर ये तो एग्जांपल हुआ इंडिपेंडेंट का, कैसे, इसने कोई मिसचीव करी इसलिए सस्पेंड हुआ, ये तो अपना पहला स्टेटमेंट बोलता है। और दूसरा क्या बोलेगा कि टीचर्स का अच्छा होगा, कोई ना कोई बात होगी, तो दोनों के कॉज में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के कॉज में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों इन एक्सक्यूज मी, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, वन टू आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, वन टू आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब देखो मेरी बात, ए और बी तो हो नहीं सकता सो वाले रूल से, इसने कोई ना कोई मिसचीव करी होगी ये तो कॉज हुआ और उसके कारण सस्पेंड हो गया ये इफेक्ट हुआ, इसने कोई ना कोई पढ़ाई करी होगी तो ये तो हमारा कॉज हुआ और उसके कारण रिजल्ट आया तो ये इफेक्ट हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट इफेक्ट के हैं, पर थर्ड ऑप्शन तो बोल रहा है वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ऐसा हो नहीं सकता। फिर अपन ने देखा एक तो अच्छी बात, एक तो गंदी बात बता रहा है मिसचीव की और दूसरी अच्छी बात बता रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज होएंगे, इंडिपेंडेंट कॉजेज होएंगे। ठीक है, दोनों अगर सेम कॉज होते तो आंसर होता सेम कॉमन कॉज, वन एंड टू स्टेटमेंट आर इफेक्ट विद सेम कॉमन कॉज, बट दे बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एंड दे कैन नॉट बी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, दैट्स वाई द आंसर विल बी डी। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देखो मेरी बात, एक और चीज, सेम कॉज का कैसे हो सकता है, सेम कॉज अगर सेम कॉज का अपन एग्जांपल देखें तो देखना, बच्चों ने मिसचीव करी उनको सस्पेंड कर दिया गया, बच्चों ने मिसचीव करी ये तो हुआ कॉज और ये हुआ इफेक्ट। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता द पेरेंट्स ऑफ एक्स वर कॉल्ड, तो सेम कॉज नहीं होता, मिसचीव इज द सेम कॉज फॉर टू इफेक्ट,
एज द रिजल्ट ऑफ मिसचीव द पेरेंट्स वर कॉल्ड एंड द चिल्ड्रन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल. एज अ रिजल्ट बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट विच रिफ्लेक्ट द सेम कॉज, विच रिफ्लेक्ट द सेम कॉज. अब देखो मेरी बात, यही तो हुआ, वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ सेम कॉज. ऐसे करके पांच स्टेटमेंट आते हैं. वन और टू को तो अपन सो एज अ रिजल्ट देयर फोर करके निकालेंगे, और बाकी तीन को अपन एनालाइज करेंगे कि स्टेटमेंट कॉज के अंदर आता है कि स्टेटमेंट इफेक्ट के अंदर आता है. अब इसी पे बेस्ड देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिंपल वाले जो अभी अपन ने डिस्कस करे कॉज एंड इफेक्ट वाले, कि कॉज कौन सा होगा इफेक्ट कौन सा होगा, और एक थोड़े से जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन नहीं होता. अब देखो मेरी बात, आए आंसर मत देखना अभी, ठीक है, आंसर नहीं देखना. अब देखो मेरी बात, इन कश्मीर ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट मैनी स्कूल्स इन दैट एरिया हैड टू केप्ट क्लोज फॉर अ वीक, मैनी टीचर्स हैव रिजाइंड फ्रॉम द स्कूल. तो मैनी टीचर्स हैव रिजाइंड फ्रॉम द स्कूल, सो इन द कश्मीर ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट. यार ये तो सो तो काम ही नहीं कर रहा, देयर फॉर एज अ रिजल्ट भी काम नहीं करेगा. तो अब देखो ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट, ये तो खुद ही बता रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट कॉज है, बॉम्ब ब्लास्ट कॉज है, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इफेक्ट हो गया कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, कि स्कूलों को बंद कर दिया गया, ये तो हो गया इफेक्ट. मैनी टीचर्स हैव रिजाइंड फ्रॉम द स्कूल, इसका रीजन कहीं दे रखा है क्या? ये तो खुद भी इफेक्ट ही है. क्यों? कॉज क्या हो सकता है? हो सकता है टेररिस्ट ने धमकी दी हो कि अगर आप स्कूल जाओगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे. हो सकता है कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन हो, तो रीजन कुछ भी हो सकता है. अल्टीमेटली ये तो क्या है, ये इफेक्ट हुआ, ये इफेक्ट हुआ. तो इसका देखो आंसर, अब देखना, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि सो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, बी भी नहीं हो सकता, दे आर द इंडिपेंडेंट कॉजेज. भाई ये दोनों स्टेटमेंट तो इफेक्ट्स है, तो ये भी नहीं हो सकता. अब क्या हो सकता है, देखो वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज सेम कॉज. देखो इसके अंदर है ना, मैनी टीचर्स हैव रिजाइन फ्रॉम द स्कूल, हो सकता है ना कि वो टेररिस्ट के कारण, बॉम्ब ब्लास्ट के कारण रिजाइन कर दिया हो, ठीक है. तो हाँ तो देखो मेरी बात, इसमें आंसर डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है. हो सकता है कोई कॉमन कॉज हो कि टेररिस्ट के कारण, बॉम्ब ब्लास्ट के कारण नहीं जा रहे हो, पर हम अज्यूम नहीं कर सकते. फर्स्ट स्टेटमेंट में तो लिखा है बॉम्ब ब्लास्ट, अगर सेकंड स्टेटमेंट में भी बॉम्ब ब्लास्ट लिख देता ना तो हम मान जाते कि दोनों का सेम कॉज है. पर जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, अजमजन से काम नहीं चलेगा, तब तक इंडिपेंडेंट कॉज ही इसका आंसर होगा, तब तक इंडिपेंडेंट कॉज ही इसका आंसर होगा, ठीक है. अब देखो मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. पहला जिसमें सो लगा के कर लो, और दूसरा जिसमें एनालाइज करके कर लो, एनालाइज करके कर लो. अब मैं दो तीन एग्जांपल आपकी मॉड्यूल के डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप कर लेना उसको, फिर मेरे को मैसेज कर देना अगर किसी में डाउट हो तो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज कर लेना, ठीक है. अब देखो देखो मेरी बात, अब अपन एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या लिखा है, देयर हैज बीन द कर्फ्यू इन द सिटी. कर्फ्यू है, कर्फ्यू है, कर्फ्यू है. क्यों है? कोई ना कोई मर्डर हुआ होगा, कोई कोरोना का केस आया होगा, कोई रीजन हुआ होगा इसलिए कर्फ्यू है. कोई रीजन हुआ होगा उसके इफेक्ट में कर्फ्यू है. तो ये तो क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफेक्ट है. अब 24 आवर्स पुलिस पेट्रोलिंग, कोई यही रीजन हुए हो गए तभी पेट्रोलिंग, मतलब 24 घंटे पुलिस की नाकाबंदी है, पुलिस घूम रही है, तो ये भी इफेक्ट है. अब क्यों घूम रही है, हो सकता है कि कोई मर्डर हुआ हो सकता है कोई कोरोना का केस हुआ हो, पर घूम रही है पुलिस, तो ये भी इफेक्ट हुआ. पर हमें पता लग रहा है जब कर्फ्यू होता है तो पुलिस भी घूमती है, और हमें लग रहा है कि यार पुलिस भी घूम रही है, कर्फ्यू भी लग रहा है, तो दोनों सेम इफेक्ट हो, दोनों के सेम रीजन हो सकते हैं, दोनों के सेम रीजन हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस का ही चक्कर है, कर्फ्यू का चक्कर है, पेट्रोलिंग का चक्कर है, तो अपन दोनों को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते. तो दोनों के सेम रीजन हो गए, तो क्या हो गया, वन एंड टू आर द रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो नोन एज इफेक्ट, एंड दे हैव सम कॉमन कॉज, दे हैव सम कॉमन कॉज, मर्डर करोना केस समथिंग, देर सो देर इज अ सम कॉमन कॉज इन इट, ठीक है. अब देखो
देयर, अब एक और क्वेश्चन देखो, देयर हैज बीन द कर्फ्यू इन द सिटी, हमने क्या बोला, इफेक्ट होता है, देयर हैज बीन द कर्फ्यू इन द सिटी, इफेक्ट हुआ, डॉक्टर एडवाइज एन एप्पल एवरी डे, अब क्यों एडवाइस करते पता नहीं, पर वो एडवाइस कर रहे हैं, हम CSET पास कर चुके, कोई एडवाइस कर रहा है, हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है नहीं हो, पर एडवाइस कर रहा है, कुछ हो चुका है, एडवाइस हो चुकी है, तो ये भी इफेक्ट है, हो सकता है कोई विटामिन हो इसलिए बोल रहा हो सकता है कुछ भी हो, तो ये क्या है, ये हुआ इफेक्ट, कि डॉक्टर इज एडवाइसिंग टू ईट एन एप्पल, दैट इज एन इफेक्ट ड्यू टू विटामिन डी, ड्यू टू सम कैल्शियम रिच, ड्यू टू एनीथिंग, बट डॉक्टर इज एडवाइजिंग सो इट इज इफेक्ट, सो बोथ आर इफेक्ट, सो बोथ आर इफेक्ट, इफेक्ट बोले तो रिस्पॉन्स, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन एंड रिस्पॉन्स, पर इन दोनों का सेम कॉज दिख रहा है क्या कहीं से भी, इन दोनों का, कि देयर हैज बीन द कर्फ्यू इन द सिटी एंड डॉक्टर एडवाइस एन एप्पल एप्पल टू ईट एन एप्पल एवरी डे, कोई सेम नहीं है, तो इसका आंसर डी हो गया, बोथ आर इफेक्ट्स बट दे डोंट बट दे हैव नो डिपेंडेंट रीजन्स, मतलब उनके रीजन्स, उनके कॉजेज, कॉजेज आर डिफरेंट, दोनों के कॉजेज आर डिफरेंट, तो ये अपना इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी, ठीक है, फालतू की थ्योरी नहीं पढ़नी, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर तुम पीछे के क्वेश्चन अगर तुम करोगे ना इस चैप्टर में तो मजा आएगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, डाउट हो मैसेज कर देना मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कि गवर्नमेंट ने, देखो द लोकल ट्रेडर एसोसिएशन अर्ज्ड ऑल इट्स मेंबर टू क्लोज डाउन देयर शॉप फॉर अ डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, मैनी शॉपकीपर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर शॉप फॉर द डे एंड गेव अ डे ऑफ टू देयर एम्प्लॉयज, दोनों को शो के साथ पढ़ो, द लोकल ट्रेडर्स अर्ज्ड ऑल इट्स मेंबर टू क्लोज डाउन देयर शॉप फॉर अ डे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज, एज द रिजल्ट ऑफ इट मैनी शॉपकीपर कीप केप्ट देयर शॉप्स क्लोज, मतलब इन्होंने शॉप बंद करने को अर्ज करा, तो अर्ज करना तो हो गया कॉज, और उसके कारण बहुत लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को एक दिन की छुट्टी दे दी, तो ये हो गया इफेक्ट, तो आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट, तो हमने कॉज एंड इफेक्ट भी कर लिया है, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया है कि कॉज से इफेक्ट निकल, तो अपन बोल रहे थे अपन ने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया है कि कॉज से इफेक्ट निकलता है, कॉज से इफेक्ट निकलेगा, कॉज हमने पेड़ों में पानी दिया इसलिए पेड़ बड़ा हो गया, हमने हार्डवर्क करा इसलिए हम CSET में पास हो गए, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं आए तो समझ, नहीं आए तो मेरे को बोलना, ठीक है, डू सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और डेली वीडियोस देखते रहना, बैकलॉग क्रिएट मत करना प्लीज, ठीक है, ओके बाय।